नमस्कार, मैं गौरव श्री अरविंद सोसाइटी की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कार्यक्रम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार ZIII के अंतर्गत। एक रोचक नवाचार के बारे में आपसे विस्तार से चर्चा करूंगा। हम इस वीडियो में ये जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से इस पाठ की विषय वस्तु को विद्यार्थियों को बहुत ही रोचक तरीके से समझाने और दोहराने के लिए उपयोगी है। हम आशा करते हैं कि आप इस वीडियो को देखकर अपनी कक्षा में और अपने विद्यालय में इस नवाचार को जरूर क्रियान्वित करेंगे। आज हम NCERT सिलेबस की हिंदी पाठ पुस्तक कक्षा 5 से पाठ क्रमांक 6 चिट्ठी का सफर, जो कि एक लेख है, पाठ को लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा और रोचक पाठ है, जिसमें चिट्ठी का जो सफर रहा है अभी तक की, कब से शुरुआत हुई है, मनी ऑर्डर, पोस्टल, पिन कोड, ये सब के बारे में जानकारी दी जा रही है और इस पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार की जानकारी। और हम समझते हैं कि ये पाठ अपने बच्चों को पहले बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है, समझा दिया है और आज आप इस पाठ का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। आप इस पाठ से संबंधित आज बच्चों को पहले आप बच्चों को संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण के बारे में बच्चों को आप बता चुके हैं, आज आप बच्चों का पुनः अध्ययन कराना चाहते हैं। इसके लिए पुनः अध्ययन कराने के लिए हम यहाँ पर एक नवाचार को क्रियान्वित करेंगे। हमारे नवाचार का नाम है प्रश्न बैंक। प्रश्न बैंक एक बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। अगर इस नवाचार की नवीनता और उपयोगिता की बात करें तो विद्यार्थी अपने सहपाठियों के साथ मिलकर विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन करते हैं। कॉन्सेप्ट भी लंबे समय तक याद रहता है। प्रश्न बैंक नामक नवाचार की क्रियान्वयन में 20 मिनट की समय अवधि निर्धारित की गई है। बाकी बच्चों की संख्या पर डिपेंड करता है, लेकिन 20 मिनट की समय अवधि जो है वो निर्धारित की गई है। प्रश्न बैंक नवाचार की क्रियान्वयन में बच्चों को कुछ निर्देश दिए जाते हैं कि बच्चों आपको जो भी उत्तर देना है खड़े होकर विनम्रतापूर्वक उत्तर देना है। इससे बच्चों के अंदर विनम्रता का गुण विकसित होता है। साथ ही बच्चों को जो भी उत्तर देने में अगर समस्या है तो शिक्षक उनकी मदद भी करते हैं। और हाँ, हर बच्चा इस पर प्रतिभा करे ऐसा शिक्षक सुनिश्चित करें और बच्चे गतिविधि के समय अनुशासन में रहे ऐसा भी शिक्षक सुनिश्चित करें। क्रियान्वयन में बच्चों को बताया जाता है कि बच्चों हमारा जो पाठ है चिट्ठी का सफर, इस पाठ का पुनः अध्ययन हम आज करेंगे। और इस पाठ के पुनः अध्ययन के लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे कि एक गतिविधि आरंभ करेंगे। हमारी गतिविधि का नाम है प्रश्न बैंक। और इस गतिविधि हम ऐसा करेंगे कि आप पहले 15 बच्चे हो तो पहले 5-5 के 3 ग्रुप। अब ग्रुप में बैठने के बाद आपको इस पाठ को, इसको लेख को, चिट्ठी का सफर पाठ को एक बार फिर से पढ़ना है, समझना है। पढ़ते और समझते हुए आपको विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को बनाना है स्वयं से अकेले। आपको लघु उत्तरीय प्रश्न, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, व्याख्यात्मक उत्तर वाले प्रश्नों को बनाकर तैयार करना है। अब जब आपके प्रश्न बनने लगते हैं तो आपको अपने ग्रुप का एक लीडर चुनना है। बच्चे अपने ग्रुप का एक लीडर चुन लेते हैं और उस लीडर की जिम्मेदारी ये होती है कि ग्रुप में वो ये देखे कि किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना हो। अब किसी प्रश्न की पुनरावृत्ति ना होते देख ग्रुप का लीडर उन प्रश्नों को इकट्ठा करके दूसरे ग्रुप के लीडर के साथ साझा करता है, ताकि वो भी समझ सकें कि किसी प्रश्न को रिपीट नहीं किया गया। अब इस प्रश्नों को इकट्ठा करके शिक्षक तक पहुंचाया जाता है। शिक्षक तक पहुंचे हुए प्रश्न वो प्रश्न हैं जो कि बच्चों के से दिए गए प्रश्न हैं। अब उन प्रश्नों के उत्तर बच्चों को उत्तर पुस्तिका पर लिखाए जाते हैं। बच्चों को जब उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न लिखाए जाते हैं तो बच्चों को वो प्रश्न लिखाए जा रहे हैं जो प्रश्न बच्चों ने बना के दिए और शिक्षक उत्तर लिखा रहे हैं। यहाँ पर एक बात और ध्यान रखें, जब बच्चों को उत्तर लिखाए जाते होते हैं तो बच्चों से भी उत्तर पूछे प्रश्नों के, ताकि बच्चे आत्मविश्वास के साथ खड़े होकर उत्तर दें। इससे बच्चों का आत्मविश्वास भी बहुत बढ़ता है, उनकी अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास होता है। तो बहुत ही अच्छा और रोचक नवाचार है। इस नवाचार में बच्चों के पास एक प्रश्न बैंक बनकर तैयार है, जिसमें बच्चों के द्वारा दिए हुए प्रश्न और जो और बच्चे हैं और शिक्षक हैं, शिक्षक के द्वारा जो उत्तर लिखाए गए हैं वो भी उसमें है शामिल। यानी कि एक चिट्ठी का सफर पाठ से संबंधित विभिन्न प्रकार के प्रश्नों की प्रश्न बैंक बनकर तैयार है। इसका उपयोग बच्चे अभी तो पुनः अध्ययन के लिए कर ही रहे हैं, तुरंत उनको पढ़ रहे हैं तो तुरंत पुनः अध्ययन हो ही रहा है। साथ ही वो कभी भी पढ़ के पुनः अध्ययन कर सकते हैं पाठ का। कभी भी उनको पढ़ना हो तो वो पाठ का पुनः अध्ययन आसानी से कर सकते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं परीक्षा के टाइम पे, टेस्ट के टाइम पे, कभी भी इस पाठ का पुनः अध्ययन करने के लिए बच्चे इस नवाचार का उपयोग करके या प्रश्न बैंक का उपयोग करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, बच्चे विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को भी तैयार करते हैं, जैसे कि मनी ऑर्डर से क्या भेजे जाते हैं पैसे। इसी प्रकार पिन कोड की शुरुआत कब से हुई थी, 15 अगस्त 1972 से। इस प्रकार हम देखते हैं कि बच्चे एक चिट्ठी का सफर पाठ से विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को तैयार करते हैं और पाठ का पुनः अध्ययन बहुत आसानी से करते हैं। बच्चों के अंदर अलग ही उत्साह देखने को मिलता है। आप इसको अपने विद्यालय में बच्चों के साथ जरूर क्रियान्वित करें। ऐसे ही दिलचस्प वीडियो हम आप तक लाते रहेंगे। ZIII के यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आप मुझे फेसबुक पर लाइक देख रहे हैं तो ZIII के फेसबुक पेज को भी लाइक करें। नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप अपने बड़े पाठशाला ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।